कला के कई रंग होते हैं। कुछ ऐसे ही कलाओं के माहिर हैं हमीरपुर के गलोड के रहने वाले करतार चंद, जो कि दुर्लभ लुप्त हो रही प्रजातियों की पहचान नई पीढ़ी को रहे इसके लिए बचपन से ही प्रयास कर रहे हैं और बांस की बनाई गई अद्भुत आकृतियों को देखकर लोग दांतों तली उंगली चबाने को मजबूर हो जाते हैं। दुर्लभ कला के माहिर करतार चंद का प्रदेश सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए नाम भेजा है ताकि इस तरह के कलाकार को अवार्ड मिल सके। हमीरपुर के राज्य स्तरीय हमीर उत्सव की प्रदर्शनियों में भी करतार चंद की बनाई गई चीजें सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वैसे तो करतार चंद NIT हमीरपुर में मुख्य फार्मासिस्ट सेवाएं दे रहे हैं और सालों से अपने शौक के चलते बांस की ऐसी ऐसी कलाकृतियां बना रहे हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए। इनकी कलाकृतियों में मुख्यतः शीशे की बंद बोतल में भगवान की मूर्तियां, एलिफेंट टावर, ताजमहल, मंदिरों के अलावा प्रमुख हैं। प्रदेश के अंदर शायद ही ऐसी कोई प्रदर्शनी हो जहां पर करतार चंद के बनाए बांस के उत्पादों की प्रशंसा नहीं की गई हो। करतार चंद का कहना है कि बांस से बनाए जाने वाले मॉडलों के लिए बचपन से ही शौक रहा है और इसी के चलते ये शौक प्रदर्शनियों तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि सरकार को भी इस तरह के काम के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सीखने को मिले। करतार चंद ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए नाम भेजा है और पूरी उम्मीद है कि अवार्ड मिलेगा। ऐसे ही शौक से, जैसे मतलब होता है कि कुछ किया मैंने, वो लगा थोड़ा सा अच्छा लगा शुरुआती में। हाँ शुरुआत में उसमें रिफाइंड होता गया। फिर सिर्फ ये एग्जीबिशन के लिए मेरी कलेक्शन है। अच्छा, तो मुझे हर एक जगह, जैसे इंटरनेशनल इसमें रॉरी कार्ट गैलरी मनाली नगर में जो, उसमें मैं दो बार एग्जीबिशन कर चुका हूँ। अगर मैं इसको सेल करूँगा तो फिर मेरी ये कलेक्शन जो कम पड़ जाती है। और ये मतलब एक बहुत ही, मैं चाहता हूँ कि आगे सीखें इसको, टूरिज्म के साथ जोड़ के, जैसे टूरिज्म के होटल हुए उनके एक काउंटर बना दो बाहर, वहाँ पे ये हमारा जो सामान होता है ये हैंडीक्राफ्ट का, इसको वहाँ पे डिस्प्ले करो। मतलब उनको भी, जो भी अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनके लिए भी एक इनकम का सोर्स हो जाएगा, उनके लिए भी कुछ फ़ायदा होगा। जब टूरिस्ट आएंगे बिकेंगे ये तो फायदे में रहेगा। तो ये सर, ये कला जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा ये इनकम का सोर्स है अगर वो सीखना चाहे तो। और गवर्नमेंट को भी इसमें मेरा थोड़ा सहयोग करें तो मैं छोटा मोटा कोई इंस्टीट्यूट चला के बच्चों को ट्रेन दे कर सकता हूँ इसमें। गौरतलब है कि इस तरह बारीकी से बनाई गई कलाकृतियों को बंद बोतल के अंदर सहेजने से लेकर सुंदर बनाने के काम को देखकर हर कोई हैरानी जता रहा है, क्योंकि बांस की लकड़ी से तैयार मॉडलों को बनाना नामुमकिन सा लगता है।